सियासत भी अपने चरम पर है। दिल्ली में चुनाव से पहले ही बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगे। दिल्ली के तुगलकाबाद से सांसद रमेश बिधूड़ी आम आदमी पार्टी के आरोपों पर सफाई दे रहे थे। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गईं कि आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ जो 10 FIR की हैं, वो सभी फर्जी हैं। बिधूड़ी ने दावा किया कि अगर आप ये आरोप साबित कर देती है तो राजनीति से संन्यास वो ले लेंगे। बिधूड़ी ने कहा कि वो आप प्रवक्ता आशुतोष के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से मेरा होना, अगर ये मेरा गुनाह है तो मुझे लगता है मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए जी। मैं इस बात को लेकर इतना हर्ज हुआ हूं कल से, कई चैनलों ने मेरे को कहा, तो मुझे लगता है शायद हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए जी। और राजनीति में इस प्रकार के लोग आएंगे कि लोगों के ऊपर ऐसे अनर्गल आरोप लगाएंगे और मीडिया के लोग उसको छापेंगे। मैं किस किस मीडिया के, देश की आबादी 125 करोड़ दिल्ली की है, 125 करोड़ में कम से कम 50 लाख लोगों ने अखबार पढ़ा होगा। मैं किस किस को यह बात कहता हुआ फिरूंगा कि मेरे तो 9 केसों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसी घटिया राजनीति जो लोग कर रहे हैं, इस प्रकार से आम आदमी का जो करेक्टर उजागर हुआ है वो छुपा हुआ नहीं है।